नमस्कार दोस्तों, इस लॉकडाउन से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे कई भाइयों की जॉब चली गई, कई भाइयों के बिजनेस बंद हो गए और भी काफ़ी कुछ नुकसान हमें उठाना पड़ा है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें नई सीखी है जो हमने आज तक सोची भी नहीं थी। जी हाँ, जो हमने सोची भी नहीं थी वो हम सीख चुके हैं। तो इस नुकसान तो हमने गिन लिए, नुकसान तो काफ़ी सारे हुए हैं, बट इस लॉकडाउन ने हमें कुछ ऐसे फ़ायदे भी दिए हैं जो हमको आगे जाके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, आपके फ़ायदे का होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के मोटिवेटेड वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें इस लॉकडाउन में हुआ वो ये हुआ कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। अब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपको अगर शेव करानी होती थी या बाल कटाने होते थे तो आपको नाई के पास जाना पड़ता था। अब तो सब बंद है, तो क्या करना पड़ रहा है? भले ही मजबूरी में करना पड़ रहा है, खुद करना पड़ रहा है, राइट? इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो आगे जाके आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने काम के लिए आप अपने काम खुद कर लोगे, जो कि एक बहुत बड़ा लेसन है जो आपने इस लॉकडाउन में सीखा। दूसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हुई है वो ये है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। हम सब अभी यही सोच रहे होते हैं कि काश हमने थोड़ी बहुत सेविंग्स और कर ली होती, काश मेरे पास थोड़े बहुत पैसे और होते ताकि इस लॉकडाउन में मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़ती, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हमने सीखा है। क्यों? अब आप क्या होगा, अब लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप पैसे की वैल्यू समझ चुके होंगे, उसके बाद आप पैसे को गलत जगह पे या गलत चीज़ों को लेने में खर्च नहीं करोगे। आप खर्च करने से अपनी सेविंग्स ज़्यादा करोगे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हमने इस लॉकडाउन में सीखा। तीसरी चीज़ जो हमें रियलाइज़ हुई इस लॉकडाउन में, और आई एम श्योर कि आपको भी हुई होगी, कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमारी खुशी कनेक्टेड नहीं है। आज हम सब घर पे हैं, लॉकडाउन में बंद है, अपनी फैमिली के साथ हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ तो हो गया होगा कि यार, फैमिली ही सब कुछ है, फैमिली के साथ ही मैं खुश रह सकता हूँ। ये जो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कार, गाड़ी, बंगला, ये सब एक लिमिट तक ठीक है, बट आप ये सीख गए हो कि आप फैमिली के साथ कैसे खुश रह सकते हो इतने टाइम तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हमको टाइम नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो हम अपने मोबाइलों में या टीवी में कहीं ना कहीं बिजी रहते थे। बट हमें यह रियलाइज़ हो गया कि फैमिली की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, जो हमें आगे बहुत काम आएगी। भले आपके पास कितना भी पैसा आ जाए आने वाले टाइम में, बट आपको ये रियलाइजेशन हमेशा रहेगा कि यार, लॉकडाउन में आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया था और किसी ने नहीं दिया। चौथी चीज़ जो इस लॉकडाउन ने हमें सिखाई कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे नए टास्क या स्किल्स सीख चुके हैं जो हमें नहीं आते थे, क्योंकि हम पूरा टाइम तो मूवी और सीरीज़ देखने में नहीं बिता सकते, राइट? तो हमने कुछ ऐसे स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को कुकिंग नहीं आती थी, थोड़ी बहुत मैं कुकिंग सीखा। उसके बाद मेरे को, जैसे मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, कैमरे के सामने मैं एकदम ब्लैंक हो जाता था। आज मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने लॉकडाउन में ही सीखी है। तो कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा इस लॉकडाउन में, जो जाने अनजाने में आपने सीख लिया और आपको मालूम भी ना हो। तो ये सब चीज़ों के फ़ायदे हमें मिले हैं इस लॉकडाउन में। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि देखो, नुकसान तो सबको हुआ है, प्रॉब्लम्स सबके साथ हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि मैं आपको इस लॉकडाउन के फ़ायदे बता सकूँ, आपको बता सकूँ कि आपने जाने अनजाने में क्या सीख लिया है जो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है। नेगेटिविटी से हटके पॉजिटिविटी में हम कैसे आ सकते हैं? मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं आपको पॉजिटिव कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, आपके काम का लगा, आपको इससे फ़ायदा मिला, तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं, डीमोटिवेटेड हैं इस लॉकडाउन में। क्या पता मेरा ये वीडियो उनकी थोड़ी सी मदद कर दे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें।
और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।